मुबारक हो, अल्लाह ढेर सारी कामयाबियां दे तुम्हें। गुफरान भाई, अब अम्मी और खाला आपके लिए किसी मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता देखेंगी और कोई बेचारा रोता ही रह जाएगा। ये क्या खुसर बुसर हो रही है भाई? अम्मी, मैं तो गुफरान भाई से ये कह रही हूँ कि इतनी अच्छी जॉब मिली है और ये हमें खाली मिठाई पेटर खा रहे हैं। अरे अभी तो नौकरी मिली है, एक महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी। तो क्या हुआ खाला मां, क्या बच्चे की जेब में इतने भी पैसे नहीं है कि हमें ट्रीट ही दे दे? अरे भाई, जब तुम चाहो जहाँ चाहो मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँ। अब खुश हो? अरे बलवशा, मिठाई का डब्बा यहाँ रख, मैं फिर बाद में आराम से खाऊंगी। अरे शुगर है खाला अम्मा, ध्यान से। अरे आप कृष्णा को ऐसी ऑफर मत करें, वो आपका दिवालिया निकाल देगी। हाँ तो तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि किसी भी ढाबे से खाना खा लूं। इंसान को ना अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। क्यों अम्मी? और एक बात बताओ, ये ढाबे पर खाना खाने में क्या बुराई है? भाई बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बंदे का कोई स्टैंडर्ड भी तो होता है। ये बात तो मैं जानता हूँ कि रुशना की चॉइस जरा डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जिसे जहाँ जाना है वहां मैं लेके चले आऊंगा। अब ठीक है, मुझे तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाना, और इसे किसी भी ठेले से खिला दीजिएगा, खुश हो जाएगी। तो भाई बस डन हो गया। अब पल्लवी साहब, तुम्हें कहाँ जाना है? फिलहाल तो आप मुझे मेरी दोस्त के घर ड्रॉप कर दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर अम्मी इजाजत दें तो। कोई जरूरत नहीं है, बच्चा बेचारा खुशी में मिठाई बांटने आया और तुम लोग उसे काम पर लगा दो। खाला मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ले जाऊंगा। हमें मसला है बेटा। अकीला, कभी तो खुशी से इजाजत दे दिया कर। खाला माँ, हाथ धोएं और मिठाई खाएं आप, और फिर कहेंगी शुगर हाई हो गई है मेरी।